हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 एक्सरसाइज 2 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, जो कि ख़त्म हो गई एक्सरसाइज 2 प्रीवियस वीडियो में। अब मैं समझा रही हूँ एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग में फर्स्ट है 286 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो 286 इसको इस तरह से लिखा जाता है 286 मल्टीप्लाई 125। तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 286 से, तो आंसर आ क्या आता है 1430। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिजिट मल्टीप्लाई हो गया इसलिए एक मल्टीप्लाई लग गया। तो अब फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 286 से, तो आंसर क्या आता है 572। 5 मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, दोनों डिजिट मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए थर्ड पे 2 मल्टीप्लीकेशन साइन लगाया। ठीक है, तो अब 5 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 286 से, तो आंसर वही सेम ही आएगा 286। ठीक है, अब इन रोज और कॉलम्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है 35,750। 1,430, 572, 286 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 35,750, जो कि 286 मल्टीप्लाई 125 का आंसर क्या है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है 35,750। ठीक है, ये फर्स्ट इस तरह से किया जाता है। अब सेकंड समझा रही हूँ। सेकंड है 677 मल्टीप्लाई 212। इसको इस तरह से लिखा जाता है 677 मल्टीप्लाई 212। अब पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 677 से, 677 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1354। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, एक डिजिट मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए मैंने नीचे मल्टीप्लीकेशन साइन लगा दिया। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 677 से 677 से, सेम ही आंसर आएगा 677। 2 डिजिट मल्टीप्लाई हो गए इसलिए मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन साइन लगा दिया। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 677 से, तो आंसर क्या आता है 1354। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं 1354 प्लस 677 प्लस 1354, इनको इन रो और कॉलम्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1,43,524। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करना है, एक एक इंडिविजुअल डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इस तरह से इसको किया जाता है। अब मैं समझा रही हूँ थर्ड, एक और समझाती हूँ, जो कि है 637 मल्टीप्लाई 380। अब इसको इस तरह से लिखा जाता है, फिर से वही प्रोसेस है कि एक को पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 637 से, तो आंसर क्या आएगा 000, क्योंकि कोई भी डिजिट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। कोई भी डिजिट हो, चाहे वो 7 हो, 9 हो, कोई भी डिजिट हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। तो 0 मल्टीप्लाई 637 आंसर क्या आता है 000। ठीक है, अब 0 मल्टीप्लाई हो गया, अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 637 से, तो आंसर क्या आता है 5096। ठीक है, 5096, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 637 से, तो आंसर आता है 5096। 8 मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 637 से, तो आंसर क्या आता है 1911। ठीक है, फिर अब इन तीनों को ऐड करेंगे, इन रो और कॉलम को ऐड करेंगे तीनों को, 000 प्लस 5096 प्लस 1911, इनको ऐड करने पे आंसर क्या आता है 242,060, जो कि इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर है। 637 मल्टीप्लाई 380 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 242,060। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करना है, ट्राई करना आगे की क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन में आगे और मल्टीप्लीकेशन है, इसकी ट्राई करना। दैट्स इट फॉर टुडे।